बिलासपुर नगर के डियारा सेक्टर में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में वीरवार को हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हनुमान मंदिर सामुदायिक भवन निर्माण समिति के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था और यह सिलसिला शाम तक चल रहा है। लोगों ने कतारों में खड़े होकर महावीर हनुमान जी और राम दरबार के दर्शन किए। सुबह 8 से 10 बजे तक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। तत्पश्चात महिलाओं द्वारा सुंदरकांड का आयोजन किया गया। महिलाओं ने इस अवसर पर महावीर और प्रभु राम के सुंदर भजन गाए थे तथा खूब नृत्य किया। दोपहर को SDM सदर अभिषेक गर्ग ने मंदिर में शिरकत की, आयोजकों से मुलाकात की। मंदिर के पुजारी पंडित बाबूराम शर्मा ने SDM सदर अभिषेक गर्ग से विधिवत रूप से पूजा अर्चना करवाई। नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हनुमान जी का यहाँ पे जन्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है हर वर्ष की भांति, और आप सबको इस अवसर पर मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। पिछले कल से यहाँ पे हज़ारों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा का यहाँ पे आस्था यहाँ पे चल रहा है और हनुमान जी की यहाँ पे लगातार पूजा हो रही है, और इसमें अटूट भंडारे का भी आयोजन किया गया है। यहाँ के जितने भी हमारे स्वयंसेवी हैं, यहाँ की संस्था है, उन्होंने बड़ी धूमधाम से यहाँ पे आयोजन किया है, और फलाहार भी यहाँ पे परोसा जा रहा है, और इसके अतिरिक्त जो अन्य यहाँ पे पूजा पाठ है वो सभी लोगों के द्वारा की जा रही है। और इसके पीछे मूल उद्देश्य है कि हमारे देश में सद्भावना यहाँ पे जुड़ी रहे। आज हनुमान मंदिर डेरा सेक्टर में श्री हनुमान मंदिर में निर्माण समिति की ओर से हनुमान जी के जन्मोत्सव पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें सुबह 8 से 10 बजे तक हवन यज्ञ का कार्य किया गया। उसके पश्चात महिलाओं द्वारा सुंदरकांड किया गया। इस अवसर पर जिले के SDM विशेष रूप से उपस्थित हुए और उनको अवगत कराया गया कि आने वाले समय में समिति के साथ समिति हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार करेगी और इसमें 108 फीट की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया।